और दोस्त क्या हाल है। मैं हर बार आपसे आपका हाल पूछता हूँ, पर आज इस वीडियो में मैं रहस्य भाई आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप मेरे शुक्रगुजार होंगे। इस वीडियो में मैं आपको आपके हाथों में छुपी कुछ ऐसी शक्तियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें जानने के बाद आप शायद कभी बीमार ना पड़े। दोस्त सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है ना, तो ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इसे देखकर और सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। हाँ, ये बात काल्पनिक या मनगढ़ंत नहीं है बल्कि इस बात को बड़े बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टरों ने भी माना है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज रहस्य भाई कुछ बकवास कर रहे हैं तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि नहीं, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा बल्कि आज मैं आपके शरीर की शक्तियों से आपको परिचित करा रहा हूँ। शायद आप जानते भी नहीं है कि आपके शरीर में कई शक्तियाँ हैं और जिन शक्तियों का इस्तेमाल करके आप अपने दिमाग के साथ साथ अपने पूरे शरीर को हैक कर सकते हैं। आपको इन शक्तियों को एक्टिवेट करने के लिए बस अपने हाथों का इस्तेमाल करना हो, क्योंकि आपके हाथ ही एक ऐसा अंग है जो आपको डेली लाइफ रूटीन यानी कि रोज के कामों में सबसे ज्यादा अधिक इस्तेमाल होता है। बिना हाथों के आपके लिए किसी भी काम को करना बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो खड़े होना हो या बैठना हो, हमें अपने हाथों का इस्तेमाल ही करना पड़ता है। और शायद इसी कारण से हमारे सभी ऑर्गन्स के नर्व्स यानी कि सभी अंगों की नसें हमारे पाम यानी कि हाथों की हथेली से होकर जाती है। तो अगर आप इन शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको बस इतना करना है कि सुबह उठने के बाद आपको सीधे बैठना है, अपनी कमर को आपको सीधा करना है और अपने सीधे हाथ से अपने उल्टे हाथ के अंगूठे को आराम से दबाएं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आपके दिमाग में एक अलग ही शक्ति का एहसास होगा। इस टेक्निक को करने के तुरंत बाद आपका दिमाग शांत तो होगा ही और साथ ही आपको एक ठंडक का एहसास भी होगा। इस टेक्निक के बारे में रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट का ये कहना है कि इससे आपको दर्द में आराम मिलेगा और इसे रोज करने से आपका सर का भारीपन यानी कि सर दर्द और चिंता दूर होगी। और अगर आपको पेट की प्रॉब्लम्स यानी परेशानियां हैं तो ऐसे में ये टेक्निक आपके लिए बहुत कारगर है। तो इसे आप रोज सुबह उठने के बाद 5 मिनट, बस 5 मिनट जरूर करें। और यही नहीं, हमारे हथेली में कई ऐसे प्रेशर पॉइंट्स हैं जिन्हें दबाने से आप कई बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे आप अपनी इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी उंगली को दबाएं तो इससे आप अपने मसल पेन यानी कि मांसपेशियों की दर्द को खत्म कर सकते हैं। साथ ही इस टेक्निक को करने से आप अपने अंदर के डर और झिझक यानी कि एम्बैरेसमेंट को खत्म कर सकते हैं और आप किसी भी इंसान से बात करने में नहीं डरेंगे। इस टेक्निक को यूनिवर्सिटी ऑफ मिनिसोटा ने स्टडी किया और उन्होंने इस स्टडी से ये पाया कि जिन पेशेंट्स की मांसपेशियों में दर्द रहता था उन्हें इस थेरेपी से काफी आराम मिला। अगर आपको ज्यादा गुस्सा आता है या आप परेशान होते हो या थक जाते हो तो आप हमारी यानी कि रहस्य भाई की वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप अपनी मिडिल फिंगर यानी कि बीच की उंगली को दबा सकते हैं। इससे आपका गुस्सा शांत होगा और आपको एनर्जेटिक यानी कि शक्तिशाली फील होगा। एक स्टडी के अनुसार इस टेक्निक को करने से आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, लिवर अच्छे से काम करता है और आप काम डाउन हो जाते हैं। इस थेरेपी को भी आपको बस 5 मिनट तक करना ही जरूरी है। आप ये जरूर सोच रहे हो कि रहस्य भाई इतना सब कुछ एक उंगली से? जी हाँ भाई, बस आपको अपनी बीच वाली उंगली को दूसरे हाथ हथेली से 5 मिनट पकड़ के रखना है और बस आप अपने अंदर अलग सी ऊर्जा महसूस करेंगे। आप अभी ट्राई करके देखो और आपका गुस्सा धीरे धीरे करके शांत होने लगेगा। तो दोस्त अब बात करते हैं हमारी रिंग फिंगर। अरे ये फिंगर सिर्फ एंगेजमेंट में ही काम नहीं आती अंगूठियां पहनाने के लिए बल्कि हमारे शरीर की सारी नेगेटिविटी और हमारी उदासी को झटपट भगाने में ये उंगली बहुत कारगर है। हल्के हाथों से जब आप अपने हाथ से इस उंगली पर मसाज करें तो आप कुछ दिनों में महसूस करेंगे कि आपकी सांस लेने की शक्ति भी उत्तेजित हो रही है। सच में दोस्तों, आप बेहतर तरीके से सांस ले पाएंगे। रोज सुबह उठकर आप अपनी बाहें फैलाएं जैसे शाहरुख खान की तरह और अपनी सांसों को अंदर से महसूस करें। अपने दिमाग को बस अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें, अपनी शरीर और अपनी आत्मा को एक करने की कोशिश करें। इससे आपके दिमाग में तेजी से ऑक्सीजन पहुंचेगा और आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहोगे। दोस्तों, ऑक्सीजन और अच्छा खाना ही ऐसा ईंधन है जिससे हमारा शरीर अच्छा चलता है। इससे आपके फेफड़े यानी कि लंग्स और चेस्ट पेन भी धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आखिर में हम अपनी छोटी उंगली को कैसे भूल सकते हैं? दोस्त, ये छोटी है पर खोटी नहीं। आखिर होता है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अगर किसी दिन आपको बहुत लो फील हो या अंदर ही अंदर आपको डिप्रेशन हो रही हो और लगे कि आप कुछ भी नहीं, किसी काम के लायक नहीं,
तो बस इस छोटी उंगली को 5 मिनट तक मसाज करें, आपको जल्द ही बेहतर लगेगा। लेकिन दोस्तों, इन सभी एक्सरसाइजेस को रोजाना करने से पहले अपने दिमाग में कुछ अच्छा सोचें, यानी कि कुछ ऐसा जिससे आपको खुशी मिले। ऐसा करने से ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत बेहतर काम करेगी। ऐसा कहा जाता है कि आपकी हथेली में ही आपकी फीलिंग्स और आपकी इमोशंस का घर है। तो रोजाना इन उंगलियों की एक्सरसाइजेस के साथ साथ आप अपने एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की हथेली पर गोल घुमाते हुए मसाज करें और साथ ही 3 बार गहरी सांस लें और छोड़ें। इससे आपका सुबह का काम आसानी से हो जाएगा, यानी कि आपका खाना अच्छे से पचेगा, कॉन्स्टिपेशन दूर होगी और जब सुबह सुबह बैठे होगे तो पेट खाली आराम से हो जाएगा। मैं रहस्य भाई यही कोशिश करता हूँ कि आप मेरे दोस्त हमेशा फिट और हेल्दी रहें। और अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करेंगे तो जी हाँ, आपका शरीर भी बहुत ही बेहतर महसूस करेगा। तो बस एक काम करें, इस वीडियो को देखते देखते अपने हाथ जोड़े और नमस्कार करें। दोस्तों, मैं तो आपको बस एक्सरसाइज करने के लिए कह रहा हूँ। हमारे भारतीय नमस्कार में बहुत बढ़िया जादू है। जब आपके दोनों हाथ एक दूसरे को प्रेस करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपके ध्यान लगाने की शक्ति बढ़ती है। तो बस आगे से आप किसी से भी मिले तो भूल जाए हैंडशेक, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सीधा करें नमस्कार। दोस्तों, आप ये एक्सरसाइज ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस नीचे भी मुझे शेयर करें। और अगर आप ये सब चीजें फॉलो करने वाले तो नीचे कमेंट्स में नमस्कार लिखना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उनको भी नमस्कार करना सिखाएं और हम भारतीय होने पे गर्व करें।